नमस्कार, लोकतंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालेवाल। सरकार ने बजट सत्र से पहले 146 सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया है। संसद में विभिन्न दलों के फ्लोर नेताओं की बैठक बुलाई गई। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश करेंगी। बजट पेश होने से पहले ही वित्त मंत्रालय की समीक्षा रिपोर्ट में अनुमान जताया गया कि वित्त वर्ष 2025 में अर्थव्यवस्था 7% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। यही नहीं, आने वाले 3 साल में ही देश $5 trillion जीडीपी के साथ दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। वहीं अंतरिम बजट से जनता को काफी उम्मीदें हैं कि महंगाई और बढ़ते टैक्स से राहत मिलेगी, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। गौर करने की बात यह है कि ये बजट अंतरिम है, इस साल लोकसभा चुनाव भी हैं, ऐसे में ये पूर्ण बजट नहीं होगा, ये बजट वोट ऑन अकाउंट होगा। सवाल यह है कि क्या चुनाव की मजबूरियां बजट में झलकेंगी, क्या ये लोक लुभावन बजट होगा या कुछ जनता के हितों को ध्यान में रखा जाएगा, क्या बजट सत्र सियासत की भेंट चढ़ेगा, क्या बजट $5 trillion जीडीपी अर्थव्यवस्था की झलक दिखाएगा, क्या इंडस्ट्री को फायदा होगा, क्या निवेश बढ़ेगा या कर्ज से ही सरकार चलेगी। सवाल कई सारे हैं, आज हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सस्पेंड 146 सांसदों का निलंबन रद्द हो गया है। बजट सत्र से पहले हुए सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह जानकारी दी। जोशी ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। हमने पहले ही कहा था, इंडिया गठबंधन केवल फोटोशूट है, गठबंधन की मौत तो करीब हो ही गई है, इसका ब्रेन डेड है। सेशन बहुत शॉर्ट सेशन है और अंतिम 17th लोकसभा का अंतिम सत्र है। कुछ सजेशन कॉल अटेंशन वगैरह जो पूछा गया है हमने बताया है, हमारा नेक्स्ट टर्म में हम नेक्स्ट सेशन में हम देंगे, ऐसे भी हमने कहा है। और इसके बावजूद भी ये भी कहा है, फिर भी तो 0 ओवर स्पेशल मेंशन में जो और जो चर्चा स्पीकर और चेयरमैन अनुमति देगा प्रोसीजर के आधार पर, रूल्स के आधार पर, वो चर्चा के लिए सरकार तैयार है। सभी मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। सर्वदलीय बैठक में उन्होंने असम में राहुल गांधी की यात्रा पर हुए हमले और राज्य सरकार की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों का मुद्दा उठाया गया। साथ ही हेमंत सोरेन, लालू प्रसाद समेत विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का भी जिक्र किया गया। संसद में हुई सर्वदलीय बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल समेत 30 पार्टियों के 45 नेता शामिल हुए। इस सेशन में क्योंकि सबको मालूम है कि देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, जिस तरह से कम्युनलाइजेशन हो रहा है पॉलिटिक्स का, इसकी सबको फिक्र है। हमने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को स्ट्रेथन करने की डिमांड करी है। एक मस्जिद के बाद दूसरी बार तीसरी, इस तरह से 3000 मस्जिदों में अगर ये सब कुछ होगा तो देश किस जगह पहुँच जाएगा, इसकी फिक्र है। और किसानों के लिए हमने डिमांड रखी है कि सोलर पम्प्स दिए जाएँ, MSP इस हिसाब से किया जाए कि उनकी लागत उनको मिल जाए कम से कम, और हर घर की छत पे सोलर पैनल लगे, ये हमने डिमांड करी है क्योंकि सेशन है। दूसरा, जो माइनॉरिटीज के स्कॉलरशिप्स हैं उसको बंद कर दिया गया, मेरिट का मींस बंद कर दिया गया, जिसमें कि रिसर्च वर्क पे फर्क पड़ रहा है, उसको दोबारा स्टार्ट किया जाए, इस बजट में उसके लिए प्रोविजन करा जाए। गुरुवार यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री अंतरिम केंद्रीय बजट लोकसभा में पेश करेंगी। 31 जनवरी और 1 फरवरी को कोई शून्यकालीन नहीं होगा। हालांकि यह अंतरिम बजट होगा, लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी। वहीं वित्त मंत्रालय ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें ये बातें कही गई हैं कि 3 वर्ष में भारत की इकोनॉमी $5 trillion की हो जाएगी और इसी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि अगले 6 से 7 सालों में या 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था $7 trillion की हो जाएगी। बजट सेशन हेल्दी मींस वी आर कीन टू प्लेस आवर डिमांड्स एंड आवर ऑब्जर्वेशंस इन सच शॉर्ट पीरियड। 150 MP सस्पेंशन इश्यूज आर आल्सो रेज्ड, बट द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट टू रिप्लाई एनी क्वेश्चन, दे ओनली हियर, दे ओनली लिसन। ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट, बोथ द प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड द प्रीवियस गवर्नमेंट अंडर कांग्रेस,
they were supporting all these terrorist elements. That's why they could continue with such activities, taking law into their hands in the street, open street. They were raising slogans, threatening the people of the Hindu society, the Christians. Hindus and Christians will be sent to, will be executed. That was the open threat that was given by the Popular Front. ये लोकसभा जो वर्तमान का कार्यकाल है इसकी अंतिम बैठक नजर आती है। मैं इसमें बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं, आर्थिक रूप से जिस तरह देश को बर्बाद किया जा रहा है वो मुद्दा मैंने उठाया है। फेडरल स्ट्रक्चर जिस तरह तोड़ा जा रहा है, राहुल गांधी की यात्रा पर हिंसक हमले आसाम सरकार करा रही, उस मुद्दे को उठाया है। किसान को 10 साल तो बीत गए, लगभग बीत गए, आज तक तो अभी कुछ किया नहीं इन्होंने। हमने तो बेसिकली राष्ट्र भूटान का मुद्दा उठाया कि हमारा नेबरहुड पॉलिसी फेल कर रहा है और भूटान और चाइना के बॉर्डर टॉक्स में चाइना ने भूटान को कहा है कि आप इंडियन आर्मी को वहां से बाहर वापस इंडिया भेजिए। माना जा रहा है कि किसानों, महिलाओं और युवाओं को कुछ न कुछ राहत मिल सकती है। इसके अलावा मिडिल क्लास के लिए भी सरकार कुछ राहतों का ऐलान कर सकती है। अंतरिम बजट में सरकार से कुछ बड़े ऐलान करने की संभावना इसलिए भी है क्योंकि बजट के बाद आम चुनाव होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो आखिर इस अंतरिम बजट में क्या कुछ खास रहेगा, क्या वाकई लोगों को इससे राहत मिलेगी या सिर्फ लोक लुभावन वादे होंगे, आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी को उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय पाठक जी जुड़ चुके हैं। अजय पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रखर सिंह जी मौजूद है। प्रखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ CPM संयुक्त सचिव NK शुक्ला जी मौजूद है। NK शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वहीं हमारे साथ अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी भी मौजूद है। आकाश जिंदल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले आकाश जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से अंतरिम बजट कितना महत्वपूर्ण है, साथ ही इस बजट के जरिए किन-किन चीजों को साधने की कोशिश की जाएगी, मैं आपसे बारीकियां जानना चाहूंगी। सर, बजट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आम आदमी से बजट रिलेट करता है। आज की तारीख में हमारी इकॉनमी बहुत सही चल रही है। आज की तारीख में उम्मीद है कि आने वाले 3 साल में हम थर्ड बिगेस्ट इकॉनमी बन जाएंगे, $5 trillion इकॉनमी बन जाएंगे और 2030 तक फर्दर ये उम्मीद है कि हम $7 trillion इकॉनमी बन जाएंगे। तो अर्थव्यवस्था के लिए बजट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि वो अर्थव्यवस्था की रूपरेखा तय करती है कि अर्थव्यवस्था किस तरीके से आगे बढ़ेगी। और ऑलरेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की टैलेंटेड गाइडेंस में हमारी इकॉनमी आज की तारीख में बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। आज हमारी इकॉनमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है बड़ी इकॉनमीज में से। GST कलेक्शन हमारे यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है और आज की तारीख में वो भी तब जब दुनिया में कई जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है। एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, इसराइल हमास का इशू चल रहा है, हूती का भी इशू बीच में रहा है, ऐसे में इकोनॉमी की बड़ी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस रही है। आप जहां तक बजट की बात आते हैं, बजट में लोगों की कुछ एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन मैं लिस्ट कर दूं जो मेरी प्रेडिक्शन है। पहले तो इनकम टैक्स का स्लैब, यानी इनकम टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट, जिसे आम भाषा में स्लैब कह रहे थे, हालांकि स्लैब सही शब्द नहीं है, वहां 50,000 की एडिशनल एग्जेम्पशन मिलने की संभावना लगती है जो कि आम आदमी को खुशी देगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा आ जाता है आम आदमी के लिए और कई तरह के बेनिफिट मिल सकते हैं। आम आदमी को जो बेनिफिट मिल सकता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, सैलरी क्लास उसके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बहुत बढ़िया होती है, वो 75,000 तक बढ़ने की हो जाने की संभावना है। उसके बाद आ जाता है हेल्थ इंश्योरेंस, जिसे मेडिक्लेम भी कहा जाता है, वहां पे भी जो है एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ने की संभावना है क्योंकि आजकल बीमारियों का इलाज महंगा होता जा रहा है। उसके बाद आ जाती है महंगाई। देखिए, आम आदमी किस चीज से परेशान है, आज इकॉनमी अच्छी चल रही है बट ग्लोबल इश्यूज के कारण लोगों की सैलरीज उतनी नहीं बढ़ पा रही है और जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण ही इन्फ्लेशन ज्यादा है, 5.7% के करीब है। तो महंगाई को कम करने का एक उपाय होने की संभावना है। देखिए, पेट्रोल और डीजल पे दो तरह के टैक्सेस होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज चार्ज करती है और स्टेट वैट। तो मेरा अनुमान है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेंट्रल एक्साइज 5 रुपए तक कम करने की संभावना रखती है। जैसे ही ये कम होगा, अगर ये कम होता है तो डीजल रेट कम होंगे, डीजल रेट कम होते ही खाने पीने का सामान, दूध, सब्जियां सब सस्ती होंगी तो उससे आम आदमी को और गृहिणी को रिलीफ मिलेगा। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेजर एलोकेशन आने की संभावना है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे एलोकेशन आएगा तो उससे जॉब जनरेट होंगी। आज देश को जरूरत है जॉब्स की,
क्योंकि बहुत से युवा हैं, एमबीएस हैं, इंजीनियर हैं, वो टैलेंटेड हैं, लेकिन जॉब उतनी नहीं है क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है। कुछ कंट्रीज जो है रिसेशन का शिकार है, कुछ कंट्रीज में स्लो डाउन है, तो ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर को ये सरकार पुश देती आई है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मेजर पुश मिलने की संभावना है जी। काफी जॉब जनरेट होंगी और सैलरीज में इंक्रीमेंट भी आएगा प्राइवेट सेक्टर में, ऐसी संभावना लगती है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश मिलता है। उसके अलावा आ जाता है हाउसिंग। इस सरकार का प्रिय विषय रहा है हाउसिंग फॉर एवरीवन, कि लोगों को सबको घर दिए जाए, तो हाउसिंग फाइनेंस में एक सेक्शन आ जाता है 24B, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो 24B में एडिशनल एग्जेम्पशन 50,000 की मेरे हिसाब से मिलने की संभावना है, ताकि लोगों को सबको अपना घर दिया जा सके। अब आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसान हमारे अन्नदाता, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो हमारे अन्नदाताओं के लिए कम इंटरेस्ट वाली स्कीम आने की संभावना है, ताकि उनकी खेती में लागत कम हो, उनकी कमाई बढ़े, और साथ ही साथ जो है हमारे अन्नदाता को फैसिलिटीज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए गोडाउन, उनके लिए प्रॉपर फर्टिलाइजर, उनके लिए लॉजिस्टिक्स, ताकि उनकी उपज जो है बाजार तक बिना किसी दिक्कत के पहुंच सके, वो सब मिलने की भी संभावना है। वो एलोकेशन भी जी इस बजट में आ सकती है जी। उसके अलावा आ जाता है ATC। ATC वो सेक्शन है जो हर व्यक्ति को बहुत प्रिय है, जिसमें कई तरह की इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं, जिसपे एग्जेम्पशन है, यानी जिसपे इनकम टैक्स जो है अगर लगाते हो तो उसमें जो है आपका जो है इनकम टैक्स जब आप कैलकुलेट करते हो तो उसमें से ही एग्जेम्पशन मिल जाती है। ATC के अंदर MSCs हैं, PPF हैं, ELSS स्कीम्स हैं, और कुछ इन्वेस्टमेंट की चीजें हैं, यूलिप है, लाइफ इंश्योरेंस है, वहां एग्जेम्पशन जो है 50,000 तक और आने की संभावना लग रही है जी। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर MSME, छोटे और लघु उद्योग। ये लोग जो है हिंदुस्तान की बैकबोन है, क्योंकि ये लोग GDP के अंदर बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं और रोजगार प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो पॉसिबिलिटी लगती है MSME सेक्टर के लिए, सस्ते लोन, इनके लिए इक्विपमेंट या मशीनरी परचेज के ऊपर सब्सिडी, इस तरह की चीजों के कंसेशन जो है बहुत हद तक आने की संभावना है जी। बिल्कुल सर, बेहद बारीकी से सर आपने समझाया हमें कि किस किन किन चीजों के आने की संभावना है, क्या कुछ खास हो सकता है इस बजट में। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय पाठक जी भी मौजूद हैं। अजय पाठक जी, इस बजट में क्या कुछ खास रहेगा और आम जनता को किस प्रकार से इस बजट से राहत मिलेगी? साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या सिर्फ लोक लुभावन बजट है या वाकई पटल पर जो जितने भी वादे इस बजट में होंगे वो किए जाएंगे लागू? आपको और आपकी सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार है जी। भारतीय जनता पार्टी अर्थव्यवस्था को लेकर के कभी भी लोक लुभावन बजट पेश नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये जानती है कि अर्थव्यवस्था हमारी जब मजबूत रहेगी तभी ये देश ग्रोथ कर सकता है। जब तक मार्केट और हर सेक्टर, किसान से लेकर के गांव तक, गांव से लेकर के उद्योग तक, जब इन सभी चीजों में सामंजस्य नहीं रहेगा तो भारत की वही गति होगी जो 2004 से 2014 तक थी। इनका किसी भी सेक्टर पे कोई सामंजस्य नहीं था, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था 2004 से 2014 के बीच में गर्त में चली गई। आज दुनिया भर के एक्सपर्ट या भारत में जो एक्सपर्ट है जी, वो इस बात को मान रहे हैं और मानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे तेज ग्रोथ करता हुआ, भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी है। सभी लोग भारत की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं और भारत उसको फुलफिल कर रहा है। उसमें जो सबसे बड़ा सेक्टर है मेरे हिसाब से जी, वो है जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉय भी देता है और सबसे ज्यादा जो ग्रोथ कर रहा है सेक्टर, वो है लघु उद्योग, जो छोटे उद्योग है। कोविड में जो प्रॉब्लम खड़ी हुई थी लघु उद्योगों को, उसको सरकार ने, आपके साथ दो अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं बड़े इस देश के अर्थशास्त्री, वो बताएंगे कि भारत सरकार ने पूरी तरह से उनको उससे निकालने का काम किया। जो लोग प्रॉब्लम में आ गए थे उनको एक अलग से बजट दिया और बजट के ऊपर ब्याज का भी समाधान दिया। समाधान देने के बाद आज वो सब लोग, चाइना आज प्रॉब्लम में आ गया जी, जो लघु उद्योग का हब कहा जाता था वो प्रॉब्लम में आ गया। तो वहां से धीरे धीरे चीजें हमारी तरफ आ रही हैं और हमारे ऊपर लोगों को विश्वास है। वो विश्वास इसलिए है कि 30 सालों के बाद 2014 से लेकर के 2019
और 2024 तक जो स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी, सबसे बड़ा जो उसका फ्रेज आता है भारत की जनता को जाता है सरकार के साथ साथ जी। उन्होंने 30 साल के बाद इस देश में स्टेबल सरकार दी और स्टेबल सरकार ने हमारी इकोनॉमी के साथ साथ इस देश की उन्नति में सबसे बड़ा योगदान दिया और आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ करता कर रहा हूँ। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रखर सिंह जी भी हैं। प्रखर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रखर सिंह जी देखिए, मैंने बीजेपी प्रवक्ता की बात सुनी और इनके जो फैक्ट्स ये देते हैं कभी कभी तो लगता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं जी। 2004 से 14 तक भारत में कुछ हुआ ही नहीं, बहुत ही खराब इकोनॉमिक पॉलिसी थी। तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि पूरे विश्व में जब मंदी थी तो हमारे देश को मंदी छू नहीं पाई थी। लाखों करोड़ का जो कर्जा था वो किसानों को हमने माफ किया। इन्होंने अपने शासनकाल में क्या किया है, लाखों करोड़ रुपए इन्होंने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों का माफ कर दिया। अब आते हैं इन्होंने कहा इतनी ट्रिलियन इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन। अरे डेटा है, देश का 44% युवा इस समय जो 25 साल से कम का है वो बेरोजगार है। इकोनॉमी की ये लोग बात करते हैं, देश में 81 करोड़ लोग से ज्यादा लोग जी दो वक्त का खाना सरकार को देना पड़ रहा है। क्यों देना पड़ रहा है, राइट टू फूड के तहत उसका एक क्राइटेरिया है, जो लोग गरीबी रेखा के करीब होते हैं उन्हीं को दिया जाता है। तो 81 करोड़ लोग इस हालत में है जो दो वक्त का खाना ले पा रहे हैं। प्रखर जी आंकड़े तो प्रखर जी ये भी कह रहे हैं कि अगले 3 सालों में देश $5 ट्रिलियन जीडीपी के साथ दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। नंदी जी कांग्रेस को ये बर्दाश्त नहीं है कि दुनिया भारत को ग्रोथ करते हुए ये कैसे देख रही है। अजय जी मैं आपको मौका दूंगी, प्रखर जी अपनी बात पूरी करिए। अजय जी सर मैं आपके पास आऊंगी, बिल्कुल प्रखर जी अपनी बात पूरी कर लें। प्रखर जी नहीं नहीं सर मैं आपको टोक नहीं रही थी, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही थी कि वो कौन से मापदंड है जिसके बेसिस पे ये कहा जा रहा है जी। 44% युवा देश का बेरोजगार जो 25 साल से कम है बेरोजगार है कि नहीं है। दूसरी चीज 81 करोड़ से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को तो ये राशन दे रहे हैं दो वक्त का, राइट टू फूड के तहत दे रहे हैं, उसका क्राइटेरिया है। तो क्या मैं ये चीज झूठ बोल रहा हूँ। अब जी आप कहते हैं पेट्रोल डीजल की प्राइसेस की इससे पहले बात हुई तो पेट्रोल डीजल की जो प्राइसेस है वो 29% इस समय कम होनी चाहिए, क्यों नहीं कम कर रहे हैं। अभी अर्थशास्त्री जो थे उन्होंने बोला कि युद्ध चल रहा है, तो युद्ध इसराइल और गाजा के बीच में चल रहा है और हमारे देश में ऐड निकल रहा है कि इसराइल में जाके नौकरी करो, पहली बार इस देश में हो रहा है। हर एक समय पर खाड़ी युद्ध चल रहा था तो हमने देश के लोगों को युद्ध के उससे निकाल के लाए जी। और यहां पर हमारे देश में ऐड चल रहा है कि इसराइल जाके नौकरी करो जो कि वॉर जोन है। तो क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट की, कहां ले जाते हैं ये। अभी इन्होंने राजस्थान के इलेक्शन में 450 रुपए का सिलेंडर इन्होंने बोला था, सरकार बन गई, मंत्रालय मंत्री पद आ गया, सब कुछ आ गया, अभी तक इन्होंने 450 रुपए का सिलेंडर नहीं किया। तो देखिए दोहरी बातें करते हैं, कहते कुछ और है करते कुछ और है। इकोनॉमिक पॉलिसी खराब चल रही है, एमएसएमई सेक्टर सबसे ज्यादा हिट हुआ है इनके गलत जीएसटी से और नोटबंदी से, ये फैक्ट है जी। चलिए हमारे साथ सीपीएम से हमारे साथ एनके शुक्ला जी भी मौजूद है। एनके शुक्ला जी एक तरफ मंदिर और फिर नीतीश को अपने साथ ले आए और फिर मंडल और कमंडल और अब बजट में लोक लुभावन वादे के जरिए जनता के बीच जाने की तैयारी। देखिए सरकार चौथरफा विपक्ष को घेरने की कोशिश में है। हेलो एनके जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही जी सर। सर मेरा तो सवाल ये नहीं, एक तो पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं सीपीएम का ऑफिशियल प्रतिनिधि नहीं हूं, मैं किसान मोर्चे पर काम करता हूं जी। इसीलिए मैं अपनी शुरुआत बात करूंगा किसानों की समस्या से जी। जो हम लोगों को हम लोग जो चाहते हैं सरकार करेगी कि नहीं करेगी तो हम लोग देखे हुए हैं किस तरह से दिल्ली के बॉर्डर पर 2 साल तक बैठना पड़ा और ये सरकार अपने मित्रों दोस्तों कॉरपोरेट्स के हवाले देश के किसानों का जमीन देने के लिए 3 काले कानून लाई थी जिसके खिलाफ किसान लड़ते रहे आखिर में इनको मजबूर किया पीछे हटने के लिए जी। लेकिन जो इन्होंने वादा किया था कि हम किसानों को एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाएंगे वो अभी तक किसान इंतजार कर रहे हैं। हम इनसे मांग करते हैं, उम्मीद तो नहीं करते जी। मांग करते हैं कि बजट में इतना प्रावधान करें कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज उनसे खरीदा जाए और उसके लिए बजट का
हैरेजमेंट हो। इन्होंने वादा किया था कि बिजली कानून में संशोधन वापस लेंगे, अभी तक वापस नहीं लिया, उसके लिए बजट का प्रावधान करें। अभी भी गन्ना किसानों का देश भर में 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा मिलों के पास बकाया है। सरकार प्रावधान करे, मिलों पर दबाव बनाए, अपनी ओर से प्रावधान करके किसानों को बकाया दिलाए। जबकि 1966 का शुगर कंट्रोल एक्ट का प्रावधान है कि गन्ना मिल में देने के बाद 14 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जवाबदेही है कि उसको पेमेंट करवाए, लेकिन आज भी किसी मिल में कहीं नहीं हो रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि उसके लिए प्रावधान करे, उसके लिए दबाव बनाए और उसके लिए बजट में इंतजाम करें। जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है उनके लिए काम नहीं तो बेकारी भत्ता। किसानों के लिए आज तक कोई इंतजाम नहीं हुआ। 81 करोड़ लोगों को जो ये पीठ ठोकते हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, वो कौन पैदा करता है? कारखाने से अनाज नहीं पैदा होता, पैदा करता है किसान। बरसात में, धूप में, जाड़ा में सारा कुछ बर्दाश्त करके किसान पैदा करता है। किसान ना पैदा करे तो खुद भी नहीं जिंदा रहे और समाज को भी जिंदा ना रखे, लेकिन उसके लिए कोई प्रावधान आज तक नहीं है। वो मजबूरी है, उसको अनाज बेचना, उसका मजबूरी का फायदा उठा के उसका अनाज लेकर ये कहते हैं कि हम 5 किलो हर महीना गरीबों को दे रहे हैं। दे रहे हैं, अच्छी बात है, हम उसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहाँ से दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? जो पैदा करता है उसके लिए क्या इंतजाम? कुछ भी इंतजाम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। खाद के बोरी का दाम बढ़ाया जा रहा है, जो 50 किलो खाद मिलता था उसको घटा करके 45 किलो कर दिया, उसका दाम अनाप शनाप, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। आज रबी के फसल के लिए किसान परेशान है खाद डालने के लिए, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। तो हम ये मांग करते हैं कि जो बजट आ रहा है उनमें इन चीजों को देखा जाए। ये सामने चुनाव है तो कुछ तो लोक लुभावन करेंगे ही, लेकिन किसान मजदूर और बेरोजगार नौजवानों के लिए कुछ करें, ये हमारी मांग है अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से। सवाल कई सारे हैं और लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश जी, देखिए लगातार ये बात कही जा रही है कि अगले 3 सालों में जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तो सर आखिर कौन से वो मापदंड हैं जिसके जरिए ये कहा जा रहा है कि जो अगले 3 सालों में देश है वो $5 ट्रिलियन वाली GDP के साथ दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? आकाश जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, प्रश्न पूछिए अपना। जी आकाश जी, मैं जानना चाहूंगी कि वो कौन से मापदंड हैं जिनके जरिए ये बात कही जा रही है कि अगले 3 सालों में देश $5 ट्रिलियन GDP के साथ दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो टैलेंटेड लीडरशिप है जी, उसके अंदर हमने बहुत तरक्की की। और मापदंड ये है कि अभी देखिए, इस साल जब दुनिया की कुछ इकोनॉमी स्लो डाउन का शिकार है, कुछ रिसेशन का शिकार है, हमने Q1 में, क्वार्टर वन में 7.8% GDP ग्रोथ दिखाई, Q2 में 7.6% GDP ग्रोथ दिखाई, GST कलेक्शन बहुत अच्छा रहा। आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन चारों बड़ी इकोनॉमीज हमसे, अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी, GDP ग्रोथ के मुकाबले में जो है हमसे पीछे हैं। GDP ग्रोथ हमारी उनसे ज्यादा फास्ट है, तो क्लियरली दिख रहा है कि हम दुनिया की बाकी इकोनॉमीज के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। चाइना जो कभी हमसे आगे हुआ करता था, आज वो चाइना की GDP ग्रोथ की परसेंटेज हमसे कहीं ज्यादा कम है। आज चाइना में जो है स्लो डाउन आया हुआ है, चाइना में डेट का इश्यू है, वहाँ रियल एस्टेट का क्राइसिस चल रहा है, जबकि हिंदुस्तान, ये प्रधानमंत्री मोदी की बहुत टैलेंटेड लीडरशिप है और बहुत अच्छी पॉलिसीज हैं जो आज की तारीख में बिजनेस को ग्रोथ दे रही है जी, आम आदमी को तरक्की दे रही है। तो ये जो डेटा बना है, जो अभी तक का ग्रोथ है, उसको देखा गया है कि आज हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है। और ये आकाश जिंदल ही नहीं, ग्लोबल एजेंसी तारीफ कर रही है जिस तरीके से हिंदुस्तान ने ग्रो किया है, जिस तरीके से हिंदुस्तान जो है दुनिया में स्लो डाउन आया है। देखिए आज माहौल क्या है, दुनिया के अंदर जियोपॉलिटिकल टेंशन है, रशिया यूक्रेन चल रही है, इसराइल हमास इशू चल रहा है, हूती इशू चल रहा है, उसके बावजूद इंडिया की ग्रोथ जो है दुनिया देख रही है, इंडिया की ग्रोथ जो है 4 चांद लगा रही है। 2 क्वार्टर्स की GDP ग्रोथ का डेटा तो मैंने आपको दे ही दिया है। आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम है। आने वाले समय में भी आपने कुछ बातें बताई, कुछ मैं बताना चाहता हूँ।
फर्दर ये अनुमान है और ये ग्लोबल एजेंसी कह रही है कि 2035 तक विल बी अ 10 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी। उसका फायदा किसको मिलेगा? हर व्यक्ति को फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, देखिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं कि सिर्फ धरना सेठ के लिए बन जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा? मेरा मजदूर भाई जो 800 रुपए दिहाड़ी कमाता है, मेरे मजदूर भाई के बिना तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता, तो उसको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। सिमिलरली नई गाड़ियां ज्यादा बिकती हैं, नए ऑटोमोबाइल, नए टू व्हीलर ज्यादा बिकते हैं, तो किसको रोजगार मिलेगा? आकाश जी, इसी बीच में आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो फिस्कल डेफिशिएट है, इसकी क्या स्थिति रहेगी, क्या स्थिति संभलेगी? क्योंकि देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। फिस्कल डेफिशिएट दर्शकों को समझा दूं, होता क्या है, जो सरकार की कमाई और खर्चे का गैप है उसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट जो है पीछे बड़ा था क्योंकि कोरोना था, रशिया यूक्रेन वॉर थी, लेकिन अब सरकार के एफर्ट्स की वजह से, सरकार की अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से फिस्कल डेफिसिट कम होने की संभावना है और फिस्कल डेफिसिट हमारा दूसरे मुल्कों के मुकाबले में कम रहने की संभावना है। लेकिन क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट में है तो सरकार लोगों के वेलफेयर के लिए भी काम करना चाहेगी, तो मेरे हिसाब से फिस्कल डेफिसिट को सरकार का टारगेट हुआ कम से कम रखा जाए। मैं तो सजेस्ट करूंगा सरकार को कि फिस्कल डेफिसिट गोइंग अहेड 3% रखा जाए, उससे ज्यादा ना रखा जाए, बट साथ ही साथ सरकार को बैलेंसिंग एक्ट करना है। सरकार को फिस्कल प्रूडेंस भी मेंटेन करनी है, यानी फिस्कल डेफिसिट को कम करना है, साथ ही लोगों की इच्छाएं भी पूरी करनी है, लोगों को भी सौगातें देनी है, क्योंकि हर व्यक्ति को उम्मीद होती है कि बजट में कुछ ना कुछ मिलेगा। तो एक कुशल बाजीगर की तरह इन्हें काम करना है कि फिस्कल डेफिसिट भी मैनेज किया जाए और लोगों की जो है, लोगों को खुशियां दी जाए, लोगों को सौगातें दी जाए। लोग बजट से उम्मीदें लगा के बैठते हैं कि हमें ये मिलेगा, हर वर्ग को उम्मीदें होती हैं, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग एक्ट होगा जिससे फिस्कल प्रूडेंस, ग्रोथ और वेलफेयर, क्योंकि ये सरकार जो है ग्रोथ को टारगेट करती है, वेलफेयर को टारगेट करती है। अभी हमारे मित्र बात कर रहे थे किसानों का, बिल्कुल मैं इस चीज में उनका समर्थन करता हूँ कि किसान भाइयों को फैसिलिटीज मिलनी चाहिए और मेरा ये मानना है कि किसान भाइयों के लिए जीरो इंटरेस्ट वाली लोन वाली स्कीम आनी चाहिए। ऐसी मैं आपसे, आपके प्लेटफॉर्म से, सरकार से मांग करता हूँ, क्योंकि किसान अन्नदाता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारी इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट जो है पिलर है। हमारे साथ बीजेपी से अजय जी मौजूद हैं। अजय जी, देखिए रोड मैप क्या है, कैसे बजट इंप्लीमेंट करेंगे और साथ ही साथ किसानों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है इस बजट में? अजय जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अजय जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सर शायद आपकी तरफ से म्यूट है ऑडियो, उसको अनम्यूट करिए। चलिए शायद संपर्क साधने में एक बार अपना प्रश्न दोहराइएगा। जी अजय जी, मेरा सवाल ये है कि रोड मैप क्या है, कैसे करेंगे बजट इंप्लीमेंट, साथ ही इस बजट में किसानों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए ये बजट जो है नल्ली जी ने आंतरिक बजट होता है, इसमें कोई पूर्ण बजट नहीं है, ये सरकार का आखिरी बजट है। लेकिन आप मान के चलिए कि जो 4 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बजट पेश किया, या 9-10 साल जो बजट, 9 साल भारतीय जनता पार्टी की 9 साल जो बजट पेश किया, उसका जो रोड मैप है, आपने देखा कि गांव से लेकर के किसान तक, किसान से लेकर के एमएसएमई तक, एमएसएमई से लेकर के बड़े उद्योग तक, जी सभी चीजों को ध्यान में रखकर के ये सारी चीजें बनाई गई। और इसीलिए किसी सिर्फ एक सेक्टर को टारगेट करके चीजें नहीं होती है, सभी चीजों को, खासतौर से जो लोग, हमारी आबादी आज 60-65% गांव में रहती है, उनके लिए विशेष सुविधाएं भी सरकार ने बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवाई है जी। उसमें किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, और प्रमुख रूप से जो लोग अभी खाद की बात कर रहे थे, इस देश ने देखा है कि हम लोग जब अपने गांव में रहते थे, आज भी जब हम अपने गांव में जाते हैं, और 10 साल पहले की भी स्थिति हमने देखा है कि खाद लेने के लिए 3-4 दिन तक हम लोग सोसाइटियों पे लेके रहते थे, बैठे रहते थे, वहीं भोजन करते थे। आज वो परिस्थितियां समाप्त हो चुकी है, खाद की ब्लैकमेलिंग समाप्त हो चुकी है। जिस खाद को लेने के लिए किसान एक बोरी खाद पाने के लिए तड़पता था, वो सारी चीजें हमारी सरकार ने समाप्त कर दी है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि आज तक खाद पे कोई सरकार ने खाद पे सब्सिडी दी है, और उसको जो 2014 में था, आज भी उसी दाम पे खाद लोगों को प्रोवाइड। लेकिन सर अभी एनके शुक्ला जी कहते नजर आए कि सरकार को किसानों की तरफ थोड़ा गौर करने की जरूरत है, और आप कह रहे हैं कि किसान पूरी तरीके से संतुष्ट हैं आपकी सरकार से।
नलिनी जी देखिए विरोध में जो लोग हैं उनको विरोध के लिए विरोध करना है, इस देश में इस देश के किसान या इस देश के लोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ है, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है उसके साथ है। प्रखर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रखर जी एमएसपी का वादा पूरा करेंगे, एमएसपी कानून का वादा पूरा करेंगे कि नहीं? 2014 से 2019 के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया उसी का नतीजा 2019 में आया, और 2019 से 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है उसी का नतीजा आप देख लीजिएगा। चलिए मैं एनके शुक्ला जी के पास जाना चाहूंगी। एनके शुक्ला जी, अगर आप मेरे बारे में उनको बोलने देंगी तो ये बात तो ठीक नहीं नलिना जी। नहीं नहीं प्रखर जी, मैं आपके पास आई थी, आप बोली नहीं, बिल्कुल प्रतिक्रिया दीजिए सर, मैं आपके पास आई थी सर। प्रखर जी अपनी बात रखिए, प्रखर जी देखिए आप किसानों की बात करिए, अजय जी ने, अजय जी अपने बारे बोलिए, किसानों की जब बात करी अजय जी ने तो मुझे आती आती तीन काले कानून लाने वाले ये लोग, किसानों की आय दुगनी कहने वाले ये लोग, और क्या किया इन 10 सालों में किसानों की, कितनी किसानों की शहादत हुई और ये लोग बैठ करके देखते रहे, इनका मन नहीं टूटा, और ये लोग को अंततः अपने जो इंडस्ट्री दोस्तों के लिए पॉलिसी बनाई थी अंततः इनको उसको वापस लेनी पड़ी जी। क्या बातें करते हैं ये लोग, 2.5 लाख करोड़ देश का कर्जा पहुंच गया है, 1947 से लेकर 2014 तक 50 लाख करोड़ था, आज 2.5 लाख करोड़ पहुंच गया है, और सब बढ़िया चल रहा है, कितनी जनता की काम हो रही है, 44% युवा है देश का, 25 साल से कम बेरोजगार है, सब अच्छा चल रहा है, पर बैरल रेट आज का क्या है और हमारे टाइम पर क्या था आप कंपेयर कर लीजिए, उसके हिसाब से क्या डीजल पेट्रोल के प्राइस होनी चाहिए, 29% कम होनी चाहिए प्राइसेस अभी रखे हुए हैं, तो देखिए झूठ बोलते हैं। एमएसएमई सेक्टर को इतना बुरा इन्होंने अपने गलत जीएसटी और नोटबंदी दहेज किया, और बताते हैं कि बहुत इकोनॉमी बढ़ रही है, इकोनॉमी बड़ी दिखती है जब पॉपुलेशन ज्यादा होती है, पर कैपिटल इनकम की बात कब करिए, पर कैपिटल इनकम में जिन कंट्रीज की आप बात करते हैं उससे क्या कंपेरिजन है, हमारे यहाँ 81 करोड़ लोग तो 2 वक्त खाना भी नहीं पा रहे और कह रहे इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, तो देखिए इसी तरीके बजट भी लाएंगे, झूठ बोलते हैं, लास्ट में लाएंगे और बहुत सुहावनी बातें कर देंगे, हमारे यहाँ की जो वित्त मंत्री है वो कहते थे प्याज महंगा हो रहा तो हम खाते नहीं है, वो कहते हैं डॉलर रुपीज कम नहीं हो रहा है, डॉलर जी तो इस टाइप के तो आंकड़े ये लोग देते हैं। सर निलंबन रद्द हो गया 146 सांसदों का, तो क्या आप लोग सहयोग करेंगे, सहयोग की मांग की गई है विपक्ष से। आप बताइए जो पार्लियामेंट में घटना हुई उस पर क्या कार्रवाई करी इन्होंने अपने सांसद पर जी, उसकी क्या रिपोर्ट आई अभी तक, घटना की कोई रिपोर्ट आई कि नहीं आई, अजय जी जल्दी से प्रतिक्रिया दे दीजिए, उसके बाद में एनके शुक्ला जी के पास जाऊंगी। अजय जी जल्दी से देखिए, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ पिछले 10 सालों में इस डिप्रेशन में चली गई है कि भारत की जनता इसको क्यों कांग्रेस को क्यों नकार रही है, क्या हुआ ये लोग सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट से लेकर के रोड से लेकर के गांव तक ये लोग सिर्फ निगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, और इसीलिए चुनाव कांग्रेस की स्थिति होती जा रही है, कांग्रेस देश में है देश के मुंह समझ रही है, हमारे पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी जो बातें करते हैं चलिए, हमारे साथ एनके सिंह जी भी मौजूद हैं। एनके सिंह जी, एनके शुक्ला जी, सर मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी दूसरे को भी बोलने का मौका दे। प्रखर जी एनके शुक्ला जी मैं आपके पास आऊंगी, मेरा सवाल आपसे ये कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे कि किसानों के लिए बहुत काम किया गया, किसान बहुत ज्यादा पसंद करते हैं बीजेपी को, पसंद क्या करते हैं, ये पिछला चुनाव जीत गए किसी तरह से, इसका क्या मतलब है? अजय जी मैंने आपको मौका दिया था सर, मैंने आपको मौका दिया था, सुन लेते हैं। मेरा जो सवाल है उसका जवाब भाजपा के प्रतिनिधि ने नहीं दिया कि किसानों के लिए खास क्या करने जा रहा है, आपका इकोनॉमी 3-4-5 ट्रिलियन हो जाए लेकिन जो आम आदमी की आमदनी है गाँव में प्रतिदिन वो क्या है, उसमें कितनी बढ़ती है, 2 शाम का भोजन मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, तो इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया जी। कि उनके लिए क्या कर रहे हैं, आम किसानों के लिए मैंने पूछा एमएसपी का कानून बनाएंगे कि नहीं, उसके लिए बजट में प्रावधान करेंगे कि नहीं, आम किसान पैदा करते हैं लेकिन उनको कीमत नहीं मिलता, मोदी साहब ने 50 बार कहा था चुनाव पहले कि हम स्वामीनाथन फार्मूला लागू करेंगे और उसके मुताबिक लागत से 1.5 गुना कीमत देंगे, लेकिन जो भी कीमत ऐलान हो रहा है रबी का और खरीफ का
वो स्वामीनाथन के मुताबिक नहीं हो रहा है। उसको जो दाम तय किया जा रहा है जी, उसमें 400-500 क्विंटल कम तय किया जा रहा है कि किसके फायदे के लिए, बिजनेसमैन लोगों के लिए, कॉरपोरेट्स के फायदे के लिए, आम किसानों को सिर्फ ये जुमला दे रहे हैं कि हम आपको ये दे रहे वो दे रहे। इनको गांव का पता नहीं है कि खाद का कीमत आज क्या हो गया है, 5 साल में बढ़ कितना खाद का कीमत बढ़ गया है, और खाद की जो कालाबाजारी हो रही है, किसान लाइन में लग करके मर जा रहे हैं खाद के लिए, उसकी मृत्यु हो रही है, ये भाजपा के लोग नहीं देख रहे हैं। ये सोचते हैं कि आम किसान, आम नौजवान, आम लोग मरता रहे, हम तो मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट ले लेंगे, सरकार में आ जाएंगे, आम जनता से मतलब नहीं। तो सवाल कई सारे हैं और उन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे बजट को लेकर। बहरहाल हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए। आकाश जी, मेरा सवाल आपसे है कि देखिए, ग्रीन फ्यूल पर जाने के बाद भारत ने कही थी, तो उससे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा और क्या बदलाव होंगे सर? आकाश जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? माफी चाहेंगे, हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बहरहाल हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय जी भी हैं। अजय जी, देखिए लगातार आपसे किसानों को लेकर सवाल किया जा रहा है, लेकिन आप मेन सवाल पर जवाब नहीं दे रहे हैं सर। देखिए, किसानों की जहां तक बात है नंदू जी, किसानों को जो अभी नितिन शुक्ला साहब ने बोला, जो किसान नेता है जी, उन्होंने जो बोला, किसानों को स्वामीनाथन आयोग जो कांग्रेस के समय में बना था, कांग्रेस ने उसको उठा करके कूड़े में डाल दिया था। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और उसी अनुसार वो किसानों को सब चीजें देने का काम किया। आज भारत में किसान इसलिए सुखी है, खेती का रकबा इसलिए बढ़ा इस देश में कि भारत भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है वो किसानों के हित की पॉलिसी है। इसलिए आज अनाज दुगने हो गए, 2014 में जितना अनाज पैदा होता था उसका दुगना अनाज पैदा हो रहा है। अब शुक्ला जी से इस बात को पूछेगा कि शुक्ला जी बोल रहे थे कि आखिर 85 करोड़ लोगों को अनाज कौन पैदा कर रहा है और कैसे अनाज उनको मिल रहा है, तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स, भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में ये करके दिखाया कि स्वामीनाथन ने जो रिपोर्ट दिया था उसको कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में फेंक दिया था, आयोग बनाए, आयोग की जो रिपोर्ट आई उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, लेकिन उसको अगर किसी ने लागू किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशील सरकार ने लागू किया और हमने ये करके दिखाया कि किस तरह से किसानों की आय दुगनी हो सकती है। आज किसान समृद्ध इसलिए भारत में है कि हमने ये करके दिखाया आज नंदी जी। प्रखर जी, ये लूट की पॉलिटिक्स है, लूट की, किसानों की मजबूरी है जो पैदा करते हैं उनको बेचना है, आप कौन कम कीमत पर उनके पैदावार को लूट लेते हैं और लूटते हैं, लूट के बांटते हैं, कहते हैं हम लोगों को दे रहे हैं, आप किसानों को लूट रहे हैं, आपने दिया क्या किसानों को, लूट रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें बोली और बोला किसान कितना खुश है, उसकी आय दुगनी हो गई है और स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करी जी। काले कानून लाने वाले ये पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट है कि इस देश में हर घंटे दो नौजवान और एक किसान आत्महत्या कर रहा है, ऐसी तो इनकी पॉलिसी है। क्या ये बातें कर रहे हैं, झूठ बोलने आ जाते हैं डिबेट में, व्हाट्सएप इंडस्ट्री का डेटा पढ़ करके कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, तीन काले कानून किसने कहा था आपको लाने के लिए और इतने अच्छे थे तो वापस क्यों ले लिए, जवाब दीजिए। अजय जी, अरे देश किसान नहीं चाह रहा है। चलिए प्रखर जी सुन लेते हैं, जवाब दे रहे हैं अजय जी, सुनिए ना, जवाब तो सुनिए। हाँ बताइए क्यों वापस। इन लोगों ने तथाकथित किसान आंदोलन किया, ये कांग्रेस का प्रायोजित आंदोलन था, उसके बाद इनके जो सबसे बड़े लीडर थे जिनको आप सुनिए पूरी बात, इन्होंने जो इनके सबसे बड़े लीडर जिनको इन्होंने खड़ा किया राकेश टिकैत को तथाकथित किसान नेता बना करके बड़ा, इन्होंने उसके पीछे अपनी पूरा देश का किसान तथाकथित खर्च किया, उसके बाद सुना हुआ अच्छा पूछते
भारतीय जनता पार्टी अच्छा वापस चलिए हमारे साथ आकाश जी भी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आकाश जी क्या लगता है सर किस सेक्टर में सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है? अजय जी प्रखर जी मैं गुजारिश करूंगी सर सबको मौका दीजिए सर इस तरीके से तो किसी की आवाज नहीं आएगी। प्रखर जी अजय जी चलिए ठीक है मेरी गुजारिश है आप दोनों से सर गुजारिश है आप दोनों को मैंने मौका दिया हमारे साथ आकाश जी भी मौजूद है। अजय जी ऐसे नहीं सर अजय जी प्रखर जी प्लीज हमारे साथ आकाश जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आकाश जी क्या लगता है किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है? जी सबसे ज्यादा जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग में जी। देखिए इस सरकार का टारगेट है हाउसिंग फॉर एवरीवन और ये सरकार उसकी तरफ बढ़ रही है। बहुत से लोगों को घर मुहैया कराए गए हैं, हाउसिंग फाइनेंस में काफी कंसेशन दिए गए हैं हमारे गरीब भाई बहनों के लिए, मिडिल क्लास के लिए काफी कंसेशन दिए गए हैं। और अगर हाउसिंग पर सरकार का पूरा जोर रहता है तो उससे एक तो लोगों को घर मिलेंगे, दूसरा रोजगार जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्योंकि हाउसिंग का मतलब है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप देखिए हमारे मिस्त्री भाई, मजदूर भाई, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फिटर, सिक्योरिटी गार्ड, ट्रकर, लेबर, बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। कंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो एक तो सब लोगों को हम मकान देंगे, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी हर लेवल पे, चाहे वो मेरा 800 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर भाई हो, चाहे 80,000 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला सुपर स्पेशलिस्ट आर्किटेक्ट हो, सबको जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर हम सबके लिए जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी है। आज प्रधानमंत्री साहब का टारगेट क्या है कि हम एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बने। आज देखिए कितने अच्छे थीम्स दिए हमारे प्रधानमंत्री साहब की सरकार ने, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। इसके अंदर मैं कुछ डेटा रखना चाहूंगा अपने दोस्तों के सामने जी। डिफेंस के अंदर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आज की तारीख में मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, आज की तारीख में जो है उसके अलावा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में हम काफी बढ़ रहे हैं। उसके अलावा और बता दूं जो एक अच्छे हमारे सरकार ने काम किए हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में, आपके सामने 2022 का डेटा रख दूं, हिंदुस्तान नंबर वन रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो ये दिख रहा है कि कैसे जो है ई फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, ऑनलाइन फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में बढ़ते जा रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और ज्यादा फोकस बढ़ने की उम्मीद है। उससे क्या होगा, एक तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा। और हमारी सरकार की एक उपलब्धि ये है कि आज हमारे पास बहुत बड़े फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। फॉरेक्स रिजर्व जब कम होते हैं किसी देश की क्या हालत होती है, हमें पाकिस्तान की तरफ देखना चाहिए, श्रीलंका की तरफ देखना चाहिए। लोग भूले नहीं होंगे श्रीलंका में क्या हाल हुआ था, पाकिस्तान में क्या हाल हुआ था जब फॉरेक्स कम हो गया था, एक एक किलो आटे के लिए पाकिस्तान में लोग झगड़ा थे। देखिए आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बात कीजिए, एक तरफ अमेरिका जैसी इकोनॉमी है जिसने 2022 में दो क्वार्टर्स में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी, दूसरी तरफ जर्मनी जैसी इकोनॉमी जो यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है 2023 में दो क्वार्टर्स में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी। तो एक तरफ हिंदुस्तान अमेरिका, जर्मनी, चाइना जैसी इकोनॉमी को बीट कर रहा है, ये तो होगी बड़ी इकोनॉमी। हमारे पड़ोसी मुल्क देख लीजिए क्या हालत है, पाकिस्तान की क्या हालत देख लीजिए, श्रीलंका की हालत क्या देख लीजिए। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बढ़िया और बहुत तरक्की कर रही है, बहुत अच्छी बढ़ रही है। इसे हाँ और संवारना जरूर है, और संवारने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। उसके लिए मेरे हिसाब से बजट में कई तरह के जो है प्रावधान होंगे। एक और जो प्रावधान होने की उम्मीद है बजट में, हमारी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए, क्योंकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा खुद भी एक लेडी है, तो मुझे लगता है हमारी बहनों के लिए एडिशनल एग्जम्पशन आ सकती है इनकम टैक्स में, ताकि हमारी बहनों को, बेटियों को हम ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दें कि वो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट में आए, ज्यादा से ज्यादा काम करें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई लिखाई करें, और वो जो है उनके लिए सस्ते रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे लोन की भी व्यवस्था हो सकती है, ताकि अगर हमारी कोई बहन बेटी एंटरप्रेन्योर बनती है, कोई कारोबार खोलती है जिसमें वो 40-50 लोगों को रोजगार देती है, तो उनको हम मोटिवेट करें ताकि उनको सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिए जाए, ताकि वो भी जो है हमारी बेटियां जो है जॉब डूअर्स के साथ साथ जॉब सीकर्स के साथ साथ जॉब प्रोवाइडर्स बन सके। क्योंकि आज हमारी बेटियां पढ़ लिख रही हैं, बहुत टैलेंटेड है, हर फील्ड में जो है आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ी एग्जांपल तो आप हैं, मैं लगातार तमाम टीवी चैनल पे शो करता हूं, आज
80% के करीब मेरी एंकर जो है फीमेल होती हैं, तो दिख रहा है हमारी बेटियां बहनें किस तरीके से तरक्की कर रही हैं, तो उनको हमें इक्विप करना है, उनके लिए सस्ता फाइनेंस होना चाहिए, उनके लिए इनकम टैक्स में कंसेशन होने चाहिए, साथ ही साथ हमारी बेटियां जब अपनी सैलरी से पैसा बचाएं तो इन्वेस्टमेंट करें, उनके लिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे, ताकि वो जो हमारी बेटियां बहने हैं वो अपने घर की इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करें, अपने पिताजी की जो कमाई है उसके अंदर ऐड करें, या अपने पति की कमाई में ऐड करें, साथ ही साथ देश की इकोनॉमी के अंदर भी ऐड करें। चलिए सर, वक्त का अभाव है, मैं बाकी सबके पास भी फाइनल कमेंट के लिए जाना चाहूंगी। एनके शुक्ला जी, देखिए निलंबन रद्द हो गया है, विपक्ष से सहयोग की मांग करी गई है, आप लोग सहयोग करेंगे? सहयोग तो शुरू से किया जा रहा है, लेकिन संसद में सिर्फ सहयोग करने के लिए नहीं, आम जनता जो चुना है उनको प्रतिनिधि बनाया है, उनके सवालों को उठाने के लिए संसद में जाते हैं, और शासक पार्टी सवाल उठाने नहीं देती और उठाने पर उनको निलंबन कर देती है, सदन से बाहर निकाल करके अपना कानून पास कराती है, अपना मनमाना करती है। ये तानाशाही रवैया है, ये बजट सेशन में नहीं होनी चाहिए। आम जनता और गरीब जनता के सवालों पर ध्यान दे, सिर्फ ट्रिलियन नहीं देखें, गरीब आदमी की दैनिक मजदूरी, दैनिक आमदनी, 60% से ज्यादा लोग जो गांव में रहते हैं उनकी दैनिक आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, क्या मिल रहा है उनको, इस सवाल का जवाब इस बजट में दें। जी, हमारे साथ बीजेपी से अजय जी भी मौजूद हैं। अजय जी, जल्दी से कम शब्दों में सर, क्या चुनाव की मजबूरियां बजट में झलकेंगी, क्या वाकई लोक लुभावन बजट ही होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए बजट पेश कभी नीति ना करेगी। भारतीय जनता पार्टी इस देश को विश्वगुरु बनाने के लिए और इस देश को दुनिया में स्थापित करने के लिए पिछले 10 सालों से काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी उसी को लेकर के काम करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरह की राजनीति में विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी आज तक इसलिए स्टेबल की है, भारतीय जनता पार्टी दो सीटों से 303 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इसलिए आज आई है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे से आज तक कभी डिगी नहीं है। सर, सत्र के आगाज से पहले 146 सांसदों के जो निलंबन हुआ था वो रद्द कर दिया गया, इससे पहले क्यों नहीं किया गया, आखिर सत्र से पहले ही क्यों किया गया? देखिए, ये जब सत्र चालू होगा तो तभी तो ये सब चीजें होगी, सत्र के समय ही तो सांसद प्रखर जी, सत्र के पहले निलंबन, प्रखर जी सत्र की शुरुआत होने से पहले ही निलंबन खत्म। देखिए, अजय जी मैंने आपको मौका दिया। अरे अजय जी, आप सबको बोलने दीजिए। देखिए, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, और देश का जवान परेशान है अग्निवीर जैसी योजनाएं से, और महिलाएं तो इनके नेताओं से परेशान है। तो देखिए, ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। देश का कर्जा 2.5 लाख करोड़ पहुंचा दिया है, देश के लोगों की ये हालत कर दी है कि 81 करोड़ लोग 2 वर्ष तक खाना नहीं ले पा रहे। मुझे लगता है कि ये जब शुरू होगा सत्र, तो ये सवालों के जवाब देंगे, इधर उधर हंगामा करके सवाल पूछने पर सस्पेंशन नहीं करेंगे, और इनको जवाब देना चाहिए कि अभी जो घटना हुई थी उस पर अभी तक क्या हुआ। एक बार भी ये नहीं बोलते हैं कि उस घटना में जो इनके सांसद ने पास बना दिया था, इनके सांसद पर क्या कार्रवाई हुई, उसकी जांच में क्या हुआ, सिवाय मेन मुद्दों से बरगराने के सिवाय ये कुछ नहीं करते हैं, और सिवाय झूठ बोलते हैं। जनता देख रही है और आने वाले समय चुनाव में इनको इसका जवाब देगी। जी प्रखर जी, जल्दी से कम शब्दों में, क्या ये लोकसभा के लिए लोक लुभावन बजट होगा, या वाकई जो तमाम घोषणाएं इस बजट के दौरान होंगी वो वाकई पटल पर उतारी जाएंगी? अरे बीजेपी घोषणाएं तो करती है, घोषणा के बाद करती क्या है? दो करोड़ रोजगार, 15 लाख आपके खाते में, किसान की आय दुगनी, ये सभी तो इन्होंने ही तो घोषणाएं करी थी। तो जो अभी राजस्थान में 450 का सिलेंडर आज तक हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिवाय कोई काम नहीं। जल्दी से अजय जी, जल्दी से, वक्त का अभाव है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलने का काम करती तो इस देश की जनता कांग्रेस की स्थिति नहीं करती। कांग्रेस इस स्थिति में इसलिए आई है कि कांग्रेस की जो आज की कांग्रेस है, राहुल गांधी की कांग्रेस है, वो राहुल गांधी की निगेटिव पॉलिटिक्स के चलते राहुल गांधी 44 से 54 पे आ गए, इस बार 54 से भी वो आ जाएंगे 4 पे। चलिए, तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार के बजट से कैसे आम जनता को राहत मिलेगी। बहरहाल, आप सभी से माफी चाहूंगी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए लोकतंत्र में मेरे साथ बस इतना ही, नमस्कार।